इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग फ्लोर इन रैबिट आर्किटेक्चर। रैबिट आर्किटेक्चर में हम लोग कैसे फ्लोर बनाते हैं, प्लिंथ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये सब हम आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग प्लिंथ फ्लोर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्लिंथ लेवल में जाना होगा। प्लिंथ लेवल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोर, तो फ्लोर में जाना होगा, उसके बाद फ्लोर आर्किटेक्चर में क्लिक करना है। उसके बाद हम प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका है कि जब भी हम लोग किसी प्लान को या कंपोनेंट को हम लोग जब प्लेस करते हैं रैबिट आर्किटेक्चर में, तो हम लोग को हमेशा डुप्लीकेट करना रहता है। यहाँ पे ईडी टाइप करेगा, ईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट करेगा, फिर यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखा प्लिंथ फ्लोर, फ्लोर, उसके बाद ओके। यहाँ पे हम हाइट यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिट करके यहाँ पे हाइट 900 mm रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हमें यहाँ पे 900 mm रखेगा लेंथ फ्लोर। हमारे प्लिंथ फ्लोर का एडिट हो चुका है, अब हम लोग यहाँ प्लिंथ फ्लोर बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया पे प्लिंथ फ्लोर बनता है। तो यहाँ से आप यहाँ पे आकर यहाँ से आप लाइन भी है, लाइन भी ले सकते हैं और पीक लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ लाइन लेने पे क्या कि आपका क्या होगा कि लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम पीक लाइन इसलिए लेते हैं कि पीक लाइन यूज करने से क्या होता है कि आपको लाइन पे ही क्लिक होता है, डायरेक्ट जो आप लाइन बनाए हैं, वॉल बनाए हैं, वॉल का जो लाइन है उस पे डायरेक्ट आपका क्लिक होता है। तो बाहर बाहर से जो आउटर वॉल का जो बाहर का लाइन बनाया हुआ है उस पे हम लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद लाइन पे क्लिक किया, जो आउटर वॉल बना हुआ है सभी पे हम लोग को बारी बारी से क्लिक करना है, सभी पे हो भी चुका है। उसके बाद हम लोग कैंसिल करके डबल कैंसिल करके हट जाएगा। उसके बाद हम लोग को सभी में ऐड नहीं है, दूसरे में देखिएगा ए वाला जो लाइन है जो हम लोग अभी बनाया और ए लाइन आपस में ऐड नहीं है। ऐड करने के लिए इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस पे इस तरह से इस पे और इस एक दूसरे से सब ऐड हो गया। और हम लोग यहाँ पे साइन का जो सिंबल दिया उस पर जाके क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ प्लिंथ फ्लोर बन चुका है, उसके बाद 3D में जाके हम लोग देख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लिंथ फ्लोर बन चुका है। देखिए मैं सिलेक्ट करके आपको दिखला रहा है, देखिए प्लिंथ फ्लोर बन चुका है। इस तरह से दोस्त हम लोग प्लिंथ फ्लोर आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्राउंड फ्लोर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में, तो आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना होगा, उसके बाद ग्राउंड लेवल में जाना होगा। ग्राउंड लेवल में जाने के बाद फिर से आपको आर्किटेक्चर में जाना होगा और फिर आपको आर्किटेक्चर फ्लोर में जाना होगा। उसके बाद बार बार में बोलता है ईडी टाइप करना होगा, डुप्लीकेट करना होगा। यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर ओके। फिर यहाँ एडिट कीजिए, एडिट 900 रखना चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर का तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 900 की जगह 800 कर देता हूँ, देन ओके। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, तो यहाँ में हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे एक देख रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेगा। रेक्टेंगुलर लिए इसलिए क्योंकि रेक्टेंगुलर की तरह बनेगा यहाँ पे, क्योंकि लाइन लेने से क्या होगा कि बारी बारी से लाइन लेना होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं रेक्टेंगुलर लिया। और थोड़ा सा बाउंड्री वॉल से थोड़ा सा हम इधर आकर ले रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, इसलिए मैं यहां से कुछ पार्ट को बाहर से जाकर लिया और यहां तक
उसके बाद क्लिक किया, डबल क्लिक करके कमांड से बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइन का सिंबल दिया, क्लिक करना है साइन पे। उसके बाद हम लोग 3D में जाके आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर हमारा बन चुका है। इस तरह से दोस्त हम लोग ग्राउंड फ्लोर और प्लिंथ फ्लोर इस वीडियो में सीखा। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग सीखेगा आर्किटेक्चर का पूरा प्रोसेस। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।